वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी केवल 10वीं या फिर 12वीं पास हैं और अभी तक आपके पास किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है, तो आप सभी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से साल 2020 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सपना है साल 2020 में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट के ऊपर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई केवल और केवल 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4000 से भी अधिक कांस्टेबल की पोस्ट पर नई भर्ती 2020 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आप सभी लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में 7 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आगे के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे आवेदन करना होगा, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 38 साल के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। कुछ वैकेंसीज के बारे में खास बातें हैं जिसको हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दिल से सपना है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना और यहाँ पे आपको 4000 से ऊपर कांस्टेबल की पोस्टें मिलने वाली हैं, तो अगर आप भर्ती पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखेगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए और आपके काम की लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आगे आने वाली सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर और इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और आगे हम बात करते हैं क्या रहेगा आपका फुल डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, शॉर्ट नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। आपको यहां पे जो डेट है वो बता दी गई है एडवांस में, 25/11/2020, यानी कि 25 यहां पे आप लोग नवंबर से लेकर आप लोग यहां पे 7/1/2021 तक अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहां पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहां पे जो आपका ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी डेट है, वो सारी की सारी डेट यहां पे बता दी गई है। और साथ ही साथ आप लोग यहां पे सारी की सारी चीज़ों को चेकआउट कर पाएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 6/3/2021 यानी कि 6 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो आखिरी डेट है वो 24/12/2020 यानी कि 24 दिसंबर रखी गई है। साथ में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि एक और यहाँ पे दे दी गई है, 7/1/2021 यानी कि 7 जनवरी। और यहाँ पे जो आपका भरे जाने का स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे 25/11 यानी कि 25 नवंबर दे दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि विभाग की तरफ से कुल जो संख्या है इस बार 4000 टोटल आपको वैकेंसीज मिलने वाली है। आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं 4000 पदों पर ये भर्ती आ चुकी है। और नीचे आएंगे तो हमको और डिटेल में जानकारी मिलेंगी। यहाँ पे आपको कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल रेडियो के अंदर वैकेंसीज मिलने वाली हैं। कांस्टेबल रेडियो के अंदर आपको केवल 138 टोटल वैकेंसीज मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के अंदर 3862 पोस्टें मिलेंगी। और दोनों को अगर कम्बाइंड किया जाए तो टोटल आपका 4000 पदों पर ये वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे आपको ओपन में, एक्स सर्विसमैन में, एचजी में, फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए टोटल यहाँ पे 33% सीटें रखी गई, यानी कि 1147 पोस्टें आपके लिए रखी गई हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। नीचे आके बात करते हैं कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट करी जाएगी, तो 1 अगस्त 2020 से आपकी जो एज है वो काउंट करी जाएगी। इसके अलावा आपकी कम से कम उम्र 18 से लेकर 33 साल, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 38 साल के बीच में है पुरुष और महिला आवेदक में, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 5 ईयर का 5 साल का आपको आयु में छूट मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए और बिना किसी डाउट के आप लोग इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएँ। दोस्तों, आपको इस भर्ती में आवेदन करने के बाद तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे 6 तारीख से 6 मार्च से आपके इसके जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जो है तो एक अच्छी सी फ्री में बुक आपको MP ऑनलाइन की साइट पे प्रोवाइड करा दिया गया। अगर आप लोग उसका पैड वर्जन लेना चाहते हैं तो केवल और केवल 69 रुपीज में आपको GK करंट अफेयर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपका 30-40 नंबर यहीं से पूछा जाता है। तो अगर आप साल 2020 के पूरे 1200 से अधिक GK क्वेश्चन को रेडी करना चाहते हैं जो कि MP पुलिस में पूछे जा सकते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। MP पुलिस बेस्ट बुक 69 रुपीज करके, तो आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं उसको पेमेंट करके,
और अपने फोन में ही उसको रीड कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर बाय करिए। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पुलिस विभाग भर्ती 2020 के बारे में, जहां पे ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। भारत के सभी राज्यों से यहां पे कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। केवल और केवल 10वीं पास यहां पे मांगा गया है। आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं काफी अच्छी है, 4000 पदों पर ये भर्ती आपको इस बार देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 38 साल के बीच में रखी गई है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मौका है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आप लोग 7 जनवरी 2020 तक आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि मैंने डेट यहां पे मेंशन कर दी है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रहेगा, अभी कोई भी अपडेट नहीं है फॉर्म फीस को लेकर, इसीलिए हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन करिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहां से इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको जस्ट नीचे आना है, आप लोग देख पाएंगे 23 अक्टूबर 2020 का बड़ा अपडेट है, पुलिस वैकेंसी है 2020 के लिए, जहां पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन कांस्टेबल रेडियो और कांस्टेबल जीडी की 4000 पोस्ट वैकेंसीज के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग mponline.co.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आगे हम mponline.co.in की वेबसाइट पे चलेंगे, जहां पर इस वैकेंसी को लेकर काफी डिटेल में और अच्छी तरीके से अपडेट करके समझाया गया है। टोटल यहां पे आपको 4000 पोस्टें मिलेंगी, जहां पे कांस्टेबल रेडियो और कांस्टेबल जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्टें रहेंगी। डेट की बात करें तो यहां पे आप लोग 7 जनवरी 2020 तक अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ नीचे आने पर आपको एज लिमिट की बात करें तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 33 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि 18 से लेकर 38 साल का कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर पाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नोटिफिकेशन में ना तो अभी जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएच या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैटेगरी की कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है तो दर्शाया नहीं गया है। जब भी आएगा इसके बारे में अपडेट आपको दे दिया जाएगा। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की बात करें तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। साथ ही साथ यहां पे नीचे आने पर आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम मिलेगा जो कि पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो यहां पे आपको बहुत सारे राज्य मिलेंगे जो कि ऑल इंडिया लेवल के होंगे। यहां पे आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। देन इसके बाद बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको यहां पे 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ओपन करना होगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में, तो अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो एलिजिबल हैं 10वीं और 12वीं पास यहां पे बोला गया है। साथ में नीचे आने पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन उसके बाद मेडिकल होगा, और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंट लिंक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको वन टाइम अप्लाई ऑनलाइन वाली बटन पे क्लिक करना है, ताकि हम लोग mponline.co.in की वेबसाइट पे आ सकें। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट वन पैराग्राफ नीचे आना है। नीचे आएंगे जैसे ही तो #26 करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पुलिस वैकेंसी है 2020 के लिए 4000 पोस्ट वैकेंसीज के बारे में पूरी अपडेट करी गई है। आप लोग भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने पर आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको एक क्लिक हियर की बटन मिलेगी। क्लिक हियर वाली बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग mponline.co.in पुलिस वैकेंसी वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। आपको अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें चेकआउट कर लेनी है। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने पर आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको फाइंड करना है इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन। नीचे आने पर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन भी फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा, और यहीं पे आपका सबसे मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एमपी पुलिस भर्ती इम्पोर्टेंट लिंक 2020। यहाँ पे आपको जो है तो एमपी पुलिस जीके करंट अफेयर बेस्ट बुक
2020 ओनली RS69 यानी कि आपको 69 रुपीस में बेस्ट बुक मिलेगी। क्लिक हेयर की बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। 6 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इसको बाय करें। बेस्ट यहाँ पे 1200 करंट अफेयर हैं लास्ट 6 मंथ के, जो कि SSC, CHSL और जितने भी आपके बैंकिंग रिलेटेड अदर एग्जाम होते हैं, पुलिस रिलेटेड, यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2020 के हैं और आपको इनको जरूर से बाय कर लेना चाहिए, केवल और केवल 69 रुपीज़ का है। बाय के बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे फोन नंबर दे देना, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना, उसके बाद भीम UPI ID जो भी आप यूज करते होंगे पेमेंट कर देंगे और आपके जीमेल आईडी पे ये पूरी की पूरी जो बुक है 1200 प्लस करंट अफेयर्स की आ जाएगी और ये आगे अपडेट भी होती रहेगी। तो आप इसको जरूर से बाय करिए। अब हम बात करते हैं कि आप नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएंगे। और MP पुलिस नोटिफिकेशन के सामने यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने डाउनलोड की बटन आएगी और डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करते ही हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड होके हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, तो आप इसको एक बार रीड करिए। फुल नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। परीक्षा की तिथि यहाँ पे 6/3/2021 यानी कि 6 मार्च है। तो आपको जो अभी मैंने GK करंट अफेयर का 1200 प्लस का क्वेश्चन का बताया, जिसमें छांट के बनाया गया है कि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आपको उसको ले लेना है और रीड करते रहना है। और मैं बेस्ट बुक का रिव्यू भी लाने वाला हूँ MP पुलिस के लिए, ताकि आपका कोई भी डाउट न रह सके। और कभी भी आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग MPonline.co.in गूगल पे टाइप करेगा, हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहेंगी, बिकॉज सबसे यहाँ पे बेस्ट साइट है MP के लिए, MP पुलिस जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेबल जैसे वैकेंसीज के लिए। www.mponline.co.in या फिर आप लोग डायरेक्ट ही mponline.co.in टाइप करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले नोटिफिकेशन के अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।